ठीक है प्रेफरेंसेस फॉर्मूले में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रो एंड कॉलम की फॉर्मूला है, उससे पहले हम बात करेंगे एडजेस की फॉर्मूला। जैसे इसलिए मान लीजिए रो, रो एंड कॉलम का उसके बाद पहले एड्रेस बात करेंगे उसका रो कॉलम पढ़ेंगे। जैसे रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 4, इसका एड्रेस क्या होगा? मतलब रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 4 यहाँ पे आया, एड्रेस हो गया D5। D5 है ना सर, इसका डी एड्रेस फाइव जनरेट, है हाँ इसका एड्रेस जनरेट करने के लिए एड्रेस का फॉर्मूला होता है। एड्रेस रो को सिलेक्ट किया, कॉमा कॉलम को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किए, तो देखिए आ गया हमारा D5 आ गया। गया। पर क्या उससे क्या मतलब, कि मतलब D5 एड्रेस आने से क्या मतलब हुआ? मैं चाहता हूँ इसकी जो वैल्यू है वो आए। क्या मैं अभी भी समझा नहीं है D5 क्यों आया है यहाँ पे। आपने देखिए, एड्रेस हमने डाला। देखिए, अब आपका जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, A1 B1 C1 में होता है ना हाँ अल्फान्यूमेरिक। लेकिन अगर आपके पास रो नंबर भी, आपका रो नंबर भी नंबर में आ जाए, कॉलम में नंबर में आ जाए, मतलब R1 C1 आ जाए, रो एंड कॉलम नंबर्स में आ जाए, तो उसको अल्फा हाँ न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो आपका एड्रेस का फॉर्मूला बताता है। समझे ठीक है। नहीं तो आ बट रहा? डी डी को ही कैसे उसने सेलेक्ट किया ये क्योंकि नहीं देखिए समझ में इसने आया। क्या था, रो नंबर 5 कॉलम नंबर 4, तो यहां अच्छा से अच्छा रो नंबर ठीक 5 है पे आया समझ और गया कॉलम नंबर 4 ठीक गया, है तो डी पे पहुंचा ना सर, चार पे आके। डी ठीक फाइव है ठीक एड्रेस है दे दिया। बट मुझे D5 का एड्रेस नहीं चाहिए, D5 वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला इनडायरेक्ट। क्या लगाएंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आ गया। 652 इनडायरेक्ट क्या करता है, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए A1 पे मैंने 500 डाल दिया, राइट, और इक्वल मैंने यहाँ पे A1 लिखा, तो क्या आएगा रिजल्ट? 500 आएगा ना। आएगा लेकिन मैं यहाँ पे A1 लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो B1 पे एड्रेस लिखा है ना उसकी वैल्यू शो कर दे, तो इसको सिलेक्ट करने में क्या लग रहा है, 500 आएगा, नहीं। A1 ही शो करेगा ना, क्योंकि तो फॉर्मूला एंड गूगल सीट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि B1 पे डिलीवरी वैल्यू रेफरेंस है या टेक्स्ट है। तो यहां पे हम इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका लगाते हैं? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का जो कि इस पे डली वैल्यू को रेफरेंस में कन्वर्ट करके फिर उसकी वैल्यू शो करती है, जो भी वैल्यू। तो अब ये 500 कैसे लिया मेरे को ये नहीं समझ। अच्छा क्योंकि आप, A1 का ठीक है डन डन। A1 की वैल्यू शो कर दी उसने 500। ठीक है, समझ में आ गया आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला? तो आपने यहाँ पे दो फॉर्मूले सीखे, पहला इनडायरेक्ट, जो कि अगर आपका कोई रेफरेंस टेक्स्ट में डला है उसको रेफरेंस में कन्वर्ट करता है, और दूसरा फॉर्मूला आपने सीखा एड्रेस, जब रो नंबर कॉलम नंबर, रो और कॉलम नंबर्स में हो आपके पास, A1 B1 C1 में ना हो, तो उसको A1 B1 C1 में कैसे कन्वर्ट करता है, वो हमारा एड्रेस फॉर्मूला है। क्लियर है? ठीक है लेकिन ये यूज क्यों हो रहा है। हाँ अभी बात, मुझे पता था कि आप इसकी यूज खोजेंगे, तो चलिए इसका यूज हम बताते हैं। इसके लिए हमें कुछ ये चाहिए होगा, डेटा चाहिए, चलिए एक डेटा छोटा सा बनाते हैं, राइट, पूरा जेड तक आ गया। हाँ कोई जुलाई, एक छोटा सा हमने डेटा आपके सामने मंथली डेटा बना दिया, राइट सर, ठीक है। रैन बिटवीन 10-9 10-9 18-9 कैसे 9-18 हो ठीक है ये डेटा हो गया। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैल्यू समझ लीजिए पेस्ट ये वैल्यू पेस्ट कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ठीक मुझे है यहाँ पे नेम मैंने दे दिया, नेम आ गया मान लीजिए देव, और मुझे इसके क्वार्टर 1 का टोटल चाहिए, कैसे क्वार्टर करेंगे? वन क्योंकि का तो यानी क्वार्टर हो गया 1 तो अपना ये जनवरी आपको जैन फरवरी फेब मार्च मार्च का यहाँ आ गया, हो सकता है मार्च क्वार्टर 3 टू दिन ठीक होगा, हो सकता है क्वार्टर है 4 होगा, ठीक है कुछ भी हो सकता है ना सर। ठीक है
तो यहां पे हम रेफरेंस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें से राइट से वन को अलग कर, फिर मेरे पास आता है फॉर्मूला चूज का। किसका? चूज चूज। का चूज फॉर्मूला क्या करता है कि सीक्वेंस लिया, अगर इसको सेलेक्ट कर लिया, अगर ये वन हुआ तो जो मैं डालूंगा पहला स्थान पे वो शो कर देगा, अगर टू होगा तो जो शो करूंगा दूसरे स्थान पे उसको दे देगा, थ्री होगा तो तीसरे का दे देगा। मतलब यहाँ पे इफ लगा सकते थे कि इफ दिस दैट इज इक्वल टू वन तो जैन, इक्वल टू टू तो अप्रैल, क्या? तो यहाँ पे हाँ चूज ये लगा चीज दिया, चूज क्या हुआ कि ठीक ऑटोमेटिकली वन है। टू थ्री चूज करने पे पहला दूसरा तीसरा ऐसे दे जाएगा सिक्वेंस। हाँ ठीक है, तो मैं हर हर क्वार्टर का फर्स्ट वीक डाल समझ रहा हूँ, जैसे जैन, अप्रैल, गया। उसके बाद अप्रैल, जुलाई, जून, जुलाई, जुलाई, अक्टूबर, अक्टूबर। ठीक है। तो अगर यहाँ क्वार्टर वन होगा तो जैन आएगा, क्वार्टर टू हो गया तो अप्रैल आ जाएगा, क्वार्टर गया थ्री होगा ठीक है, इस तरह समझ से आता गया। जाएगा। ठीक है अब मेरे पास यहाँ मैच का फॉर्मूला है, मैच फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है ना सर। ठीक है, चलता है। मैच फॉर्मूले से मैं यहाँ पे ढूंढूंगा अपना कि अप्रैल का कॉलम नंबर क्या है, तो फाइव है, और फिर वापस मैच लगाऊंगा और हम इसको ढूंढेंगे कि देव का रो नंबर क्या है, और सॉरी इसमें कॉमा जीरो नहीं किया, सिक्स है। तो एट दिस ठीक है, फॉर्मूला डन। जो हमने बनाया था, बताया था आपको, उसमें हम 6 नंबर रो एंड 5 नंबर कॉलम देंगे तो क्या आ जाएगा, E6 आ जाएगा ये वाला यहाँ ई पर, से लेते सिक्स तक वो फ्रीज कर दिया, मतलब और उसके बाद अगेन हम एट दिस का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग आया ना, एंडिंग तो नहीं आया ना सर। आया, तो स्टार्टिंग आया। एड्रेस रो नंबर ए हुआ, अब कॉलम नंबर ठीक में प्लस है, टू कर देता हूँ मैं, तो G6 आ गया, मतलब E6 से G6 आ गया। ठीक है। ई बट में आपने प्रॉब्लम, दो और जोड़ दिए। हाँ प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं ना तो कुछ इस तरह से देना होता है, बट मेरा तो अलग अलग सेल पे है ना सर, तो इसको कॉन्केट कर लेते हैं। डन। लेकिन जाहिर सी बात है सम तो हो, सम में अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो सम तो करेगा नहीं, क्योंकि एक कॉन्केट होके टेक्स्ट आया ना सर, तो क्या करेंगे इसके लिए? इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, G6 है, रेफरेंस है, अभी तो थोड़ा देर पहले बताया, एड्रेस अच्छा, इनडायरेक्ट, एड्रेस वाला पर इनडायरेक्ट का। हाँ ठीक है ठीक है, अभी आपने इनडायरेक्ट बताया ना बताया। आपको, A1 को किया था हमने, हाँ, इनडायरेक्ट इसको लिया। आ ठीक गया है, 129। हाँ अब सबको आ कॉपी गया। पेस्ट कर दीजिए, वैल्यू पेस्ट जो कॉपी कीजिए, सबका फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, फॉर्मूला मर्जिंग वो तो आता ही है आपको, फिर आता है। चूज को कॉपी किया या इसमें डाल दिया, इसमें मैच के D9, बी। मतलब अब इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। उसके बाद सेम यहाँ इस मैच को उठाते हैं और यहाँ पे B10 में, डन। यहाँ यहाँ में B10 है, हाँ इसको डिलीट कर सकते हैं, हाँ लेकिन इसको भी डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने कॉपी नहीं किया इसको, इसको कॉपी जी। कीजिए। ये हमारा E9, तो जहाँ जहाँ E9 है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, टेस्ट टेस्ट कर देने, कर देंगे, इन रहा लास्ट में। और इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब C10 का फॉर्मूला उठाते हैं, यहाँ जब कंबाइन किए हुए यहाँ C10 है, C10 यहाँ भी D10 का वो फॉर्मूला उठाते हैं, जहाँ C कंबाइन किया वहाँ भी D10 है, D10। अब इसको डिलीट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस इसको उठाते हैं और फाइनली इनडायरेक्ट के अंदर डाल देते हैं, सम इनडायरेक्ट है हमारा। इसको कट किया, अब इसे क्या समझे आप? कट पेस्ट सर। हाँ, हाँ किस इससे?
हाँ इससे अभी यही समझ में आया कि तीन तीन महीने का वो क्वार्टर वैसे कर वो लिया नहीं, उसने, वो तो काम चलो कर लिया। ठीक है, इससे समझ में आ रहा है कि जिस चीज के लिए फॉर्मूला नहीं है, हम इस तरह से कई सारे फॉर्मूले को क्लब करके बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। कई सारे फॉर्मूले को क्लब करके हम एक नया फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं जो कि मेरा वर्क कर अब बना। हाँ अच्छा, मेरे को एक चीज और बताओ सर, ये जब ऐसे फिर ऐसे इतना फॉर्मूला क्यों लगाना, वो नॉर्मल भी तो लग सकता है, तीन तीन महीने का क्वार्टर। तो इसलिए हो सकता है फिर आपको मैनुअली करना पड़ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे ऑटोमेट हो गया कि 3 करेंगे तो 3, 4 करेंगे तो 4। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग है 5 फ्लोर की, राइट, तो ठीक एक है, आपका आपका एक ऐसा लिफ्ट चाहिए जी जो बटन दबाए और उस हिसाब से फ्लोर पे चला जाए। ठीक है, अलग अलग फ्लोर के लिए अलग अलग लिफ्ट लगाना, ये तो मैनुअल हो जाएगा ना कि भाई 5 फ्लोर पे जाना है तो 5 नंबर लिफ्ट पे जाओ, उस पर 5 फ्लोर पर जाता है। 4 फ्लोर पे जाना है, 4 नंबर लिफ्ट पे जाओ, वहाँ 4 फ्लोर पे जाता है। ठीक है। अब देव की जगह पे अगर मेरे को पूजा का चाहिए यहाँ तो पूजा आ जाएगा क्योंकि पूजा भी तो कनेक्टेड है ना मैथ से। 2 नंबर हाँ ठीक है, पूजा कनेक्टेड था, ठीक है, डन, गॉट इट। ऐसे ऐसे करने में दिक्कत हो जाता है ना सर आपको, मैनुअली करते तो। सही बात है। अब मान लीजिए कि अगर ये मुझे क्वार्टर वाइज नहीं, अगर मान लो मुझे वीकली चाहिए, और मान लो कि 52 वीक है, तो 52 बार करना पड़ेगा, जो कि मैं एक बार में यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रेफरेंस फॉर्मूला में हमने यहाँ पे चूज फॉर्मूले को जान लिया, इनडायरेक्ट को समझा, मैच को भी समझ चुके थे हम, ठीक है ना। अब हाँ जैसे कि रो फॉर्मूला है, तो अगर नहीं, मैंने बस यहाँ हो पे गया तीन, सर। नहीं दो तीन फॉर्मूले छोटे छोटे देख लीजिए। रो फॉर्मूला है, रो फॉर्मूला सिंपल है, जिस रो में लगाओगे उस रो का नंबर देगा, या इसके अंदर जो रो डालेंगे उस रो का नंबर देगा, ठीक है। सेम कॉलम का फॉर्मूला है, जिस ठीक कॉलम में है, लगाएंगे उस कॉलम का नंबर देगा, या फिर जिस कॉलम का रेफरेंस देंगे उस कॉलम का नंबर देगा। उस कॉलम जैसे इसका दिया तो 6 नंबर। ठीक हाँ, है, यहाँ पे रोज का फॉर्मूला आ गया। अगर कोई रो हम सेलेक्ट करते हैं, जितना रो सेलेक्ट करेंगे बता देगा कि आपने कितना रो सेलेक्ट किया हुआ है। और कॉलम्स का ठीक फॉर्मूला है, आपने कितना है, कॉलम सेम, सेलेक्ट किया है बता देगा कितना कॉलम सेलेक्ट ठीक है, 3 आएगा। ठीक है, डन। किया, ठीक है। चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल बात करते हैं बाकी चीजों पर, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है सर, ओके।